मध्य प्रदेश के शहडोल में राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर फ्यूल न होने की वजह से उड़ान नहीं भर सका। इस वजह से राहुल गांधी को शहडोल के ही एक निजी होटल में रुकना पड़ा है। अब वह कल सुबह 6 बजे जबलपुर के लिए रवाना होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सोमवार को शहडोल में सभा थी। जनसभा के बाद उन्हें शहडोल से रवाना होना था, लेकिन हेलीकॉप्टर में फ्यूल न होने की वजह से राहुल गांधी यहीं फंस गए। पहले जबलपुर से फ्यूल मंगाने का इंतजाम किया गया, लेकिन खराब मौसम की वजह से फ्यूल पहुंचने में देरी हुई। ऐसे में राहुल गांधी को शहडोल के ही एक निजी होटल में ठहराया गया है, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बताया कि राहुल गांधी फिलहाल शहडोल में रुके और सुबह जबलपुर के लिए रवाना होंगे। राहुल जी, आज जो एकदम से मौसम बिगड़ा और पानी गिरा, उससे फ्यूल आने में थोड़ी डिले हुआ और अब प्रॉपर उड़ नहीं पाएगा क्योंकि वेदर खराब है, पायलट ने कहा है। तो सुबह 6 बजे राहुल जी यहाँ से जाएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उनको यहाँ रुकना महत्वपूर्ण हो गया। और मैं मानता हूँ कि एक इतनी सरलता उनके अपने जीवन की आज देखने को मिली, मैं अद्भुत उन सब प्रभावित हुआ ऐसे समय कि जैसे ही उन्होंने सिक्योरिटी ने कहा तो उन्होंने कहा कर क्या सकते हैं, अगर वेदर खराब है तो रुकना पड़ेगा, तो रुके। नाइट हॉल्ट कर रहे हैं वो? हाँ, नाइट हॉल्ट शेड्यूल कर रहे हैं।